नमस्कार, मेरा नाम विक्की है और मैं एज ए ISD फेयर एडी एटोरिस पे वर्किंग हूँ। आज हम बात करेंगे हायर के न्यू लॉन्चिंग किचन अप्लायंसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हायर के टोटल मॉडुलर किचन लगा हुआ है। तो मैं आप शुरुआत करता हूँ हायर के चिमनी से। ये जो चिमनी आप देख रहे हैं टी शेप के अंदर है, हायर ने 90 सेंटीमीटर के अंदर लॉन्च करी है। इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हायर ने 90 सेंटीमीटर के अंदर इस मशीन के अंदर चिमनी के अंदर DD मोटर प्रोवाइड करी है, जो किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगी। दूसरा, इस मशीन के अंदर 1350 का आपका सक्शन पावर है। तीसरा फीचर आपको इसमें सबसे यूनिक मिलेगा कि सक्शन पावर के बाद जो एयर प्रेशर होता है, इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी ने इतना एयर प्रेशर नहीं दिया जितना हायर प्रोवाइड कर रहा है। 720 का इसमें एयर प्रेशर है। ये तीसरा बड़ा प्लस पॉइंट आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेप होता है 10 ब्रांड में 1, 2, 3 तीन स्टेप होते हैं। हायर में 90 सेंटीमीटर टी शेप चिमनी के अंदर 23 स्टेप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मोस्टली हम देखते हैं कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, तो जो स्मोक होता है वो हमारे ऊपर भी या फेस पे भी आना स्टार्ट हो जाता है या बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। इसमें एक यूनिक फीचर है जिसे ये एयर कटर कहते हैं। एयर कटर के थ्रू क्या होगा, जितना भी स्मोक होगा वो सब आपका अंदर की तरफ ही रहेगा, आपकी बॉडी पे या बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो इसका एक मैं छोटा सा प्रैक्टिकल आपको डेमो दिखा देता हूँ जो फायर दे रहा है। ये हम स्मोक लगा चला देंगे। अभी आप इसमें देखेंगे कि स्मोक कितना आउट आएगा। अभी चिमनी ऑफ है, मैं आपको चिमनी ऑन करके भी दिखाऊंगा। ये आप देख रहे होंगे कि जितना भी स्मोक है ये सारा बाहर आ रहा है। अभी मैं चिमनी ऑन कर देता हूँ विद एयर कटर। ये आप देख लेंगे यहाँ पे, ये एयर कटर का साइन है। मैं चिमनी मैंने ऑन कर दी है, ये मैंने स्पीड बढ़ा दी है, ये एयर कटर स्टार्ट हो गया। ये आप नीचे से देखेंगे एयर कटर के, ये हायर ने ये ऑन दे रखे है। जब ये एयर कटर चलेगा तो आप देखेगा कि स्मोक का कितना इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए, जितना भी स्मोक पहले बाहर निकल रहा था वो सारा अंदर की तरफ हो गया है। एक लेयर बन जाती है हवा की जो उसको अंदर के अंदर रखती है, बाहर निकलने नहीं देती है। तो आप देख रहे होंगे टी शेप के अंदर तो जितना भी एयर कटर का जो बेनिफिट है वो आपको कितना मिलेगा, जितना भी स्मोक है जो अंदर की तरफ है। ये तो था टी शेप 90 सेंटीमीटर में जो हायर ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर वाईफाई ये दे रहे हैं, आपका 1350 का सक्शन दे रहे हैं, 720 का एयर फ्लो दे रहे हैं, 23 का आपका स्टेप दे रहे हैं स्पीड का, एयर कटर प्रोवाइड कर रहे हैं, DD मोटर दे रहे हैं आपको। तो ये सारे बेनिफिट हायर 90 सेंटीमीटर में दे रहे हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं इनके नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आप ये देख रहे होंगे ये लुक लाइक ए पैनल है जो हायर ने लॉन्च किया है। इसमें दो पार्ट होंगे, चिमनी अलग होगा, पैनल आपका अलग होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा नजदीक से देखोगे तो इसकी जो थिकनेस है आप देखोगे बिल्कुल स्लिम आपको दिखेगा, बिल्कुल स्लिम प्रोडक्ट है, कहीं पर भी कोई थिकनेस नहीं है। इतना स्लिम प्रोडक्ट मार्केट में किसी भी ब्रांड के पास नहीं है जो हायर आपको दे रहा है। इस प्रोडक्ट के अंदर बेनिफिट ये है कि एक तो ये प्रोडक्ट हायर ने सिर्फ 90 सेंटीमीटर में ही लॉन्च किया है। 90 सेंटीमीटर के अंदर ये प्रोडक्ट है, इसमें आपको गैस्ट्रो कंट्रोल मिलेगा, आपको टच करने की जरूरत नहीं है। आप वर्क कर रहे हो, आप आटा गूंद रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको टच करोगे तो गंदा होने के चांस होता है, टच करने की जरूरत नहीं है। गैस्ट्रो कंट्रोल है, आप फिर इसको गैस्ट्रो कंट्रोल के थ्रू ऑन कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसमें 3 स्टेप है स्पीड की, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एक तो ये प्रोडक्ट दो पार्ट के अंदर है, चिमनी पार्ट और पैनल पार्ट है जो बहुत क्लीन है। दूसरा, ये गैस कंट्रोल के अंदर मिलेगा। तीसरा, इसमें आपको हीट ऑटो क्लीन का फीचर मिलेगा। मोस्टली अदर ब्रांड के अंदर स्टीम वॉशिंग होती है, इसमें क्या मिलेगा कि कंपनी आपको हीट ऑटो क्लीन देती है। हीट ऑटो क्लीन क्या काम करेगा, इसमें एक साइन दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर है। जब हम इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो यहाँ पे 9 लिखा आएगा, यानी कि 9 मिनट के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी मोटर के ऊपर ऑयल वगैरह कलेक्ट होगा हिट के थ्रू 9 मिनट वो प्रोसेस चलेगा, वो हिट से मेल्ट होके सारा का सारा इस डक के अंदर आपका कलेक्ट हो जाएगा। आपने इसको क्लीन कर देना है, बहुत इजी प्रोसेस है, क्लीन कर देना है और उसको वापस आपको लगा देना है, बहुत इजीली है लगाना।
ये इसकी स्पेशलिटी है। इसका भी जो सक्शन पावर है 1350 का है, जैसा कि 90 सेंटीमीटर में आपने टी शेप में देखा था वो चीज इसके अंदर मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे इनके अगले प्रोडक्ट के बारे में। ये भी लुक लाइक वी शेप हायर ने लॉन्च किया है। इसमें और उसमें फर्क ये रहेगा कि इसका डक आपका ओपन हो जाएगा जब मैं इसे ऑन करूंगा, विद गैस्ट्रा कंट्रोल है। जैसे कि मैंने इसे ऑन करा, ऑन करने के बाद ये आपका बैंगल इनका खुल गया है। ये आप देखोगे यहाँ से नीचे से ये मोटर लगा हुआ है। इसका लाइट भी अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है, लाइट भी अंदर की तरफ दिया हुआ है। इसके अंदर भी आपका 3 स्टेप है स्पीड का, जो गैस्ट्रा कंट्रोल के साथ है। सेम हिट ऑटो क्लीन इसके अंदर फीचर दिया हुआ है जैसे इसके अंदर दे रखा था, वही डक इसमें दे रखा है आपका। आप इसमें क्रैक करके अपना क्लीन कर सकते हो और इसकी लगा। अब हम बात करेंगे हायर की हॉक के बारे में। हॉक में हायर बाकी कंपनी से कैसे अलग है मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे तीन बर्नर का। हायर ने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है विद वाईफाई है, ये आपके इंटरनेट से भी चल सकता है। इसके अंदर इन्होंने तीन बर्नर में 5.1 के दो बर्नर दिए, एक ये बर्नर और एक ये बर्नर, और ये विद सेंसर है। अब सेंसर का क्या फायदा है आपको, वो तीन बड़े फायदे मैं बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये सेंसर है, सेंसर से तीन फायदे हैं। कई बार क्या होता है, ये सेंसर है, कई बार क्या होता है कि हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं, हमने ऑन कर दिया, कई बार हम इजली फोन आ गया, हम बिजी हो गए, हमें ध्यान नहीं रहा, तो हमने फ्लेम ऑन कर दिया, कोई बर्तन इस पर रखा हुआ नहीं है, 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली फ्लेम ऑफ हो जाएगा। ये सेंसर का पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है, मान लीजिए हमने फ्लेम ऑन कर दिया, वही कंडीशन है, कॉल आ गया, हम बिजी हो गए, या कोई दूर पर आ गया जिससे हम बिजी हो गए बात करने में, हमने एक बर्तन रख दिया, खाली बर्तन रख दिया है, उसमें कुछ डला नहीं है, तो वो सेंसर सेंस करेगा, 60 सेकंड के बाद उसे ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। दूसरा फायदा ये, तीसरा फायदा ये है कि हमने कोई बर्तन रख दिया है, हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा जल रहा है और 230 डिग्री तक वो ऑयल गर्म हो गया है, हम कहीं बिजी हो गए नहीं डाल रहे हैं, तो 23 डिग्री के बाद ऑटोमेटिकली ये फ्लेम ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा आपका। ये तीन बड़े फायदे इस सेंसर के मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया था 5.1 किलोवाट का इसका बर्नर है, ये मार्केट में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, सभी कंपनी में मैक्सिमम 4 या 3 या 1.5 किलोवाट के बर्नर मिलते हैं। इसका जो बर्नर है आपका ये 5.1 केजी का है, और इसके अंदर आप देखोगे 3 रिंग्स कंपनी ने प्रोवाइड करा है, 1, 2 और ये आपका सेंटर में भी आपको दिख जाएगा, ये 3 रिंग्स इसके अंदर ही दे रहे हैं। एक ये बर्नर इसके अंदर है आपका, और एक ये बर्नर है, दो बर्नर 5.1 के हैं, जो बीच वाला बर्नर है आपका 1.9 का है, ये रिंग के साथ है आपका। इसके अलावा इन तीनों बर्नर के अंदर FFT फीचर है, ये जो आप देख रहे हो ये व्हाइट वाला इग्निशन है, ये वाला जो कॉपर लुक में आप देख रहे हो ये FFD फीचर है, यानी फ्लेम फेलियर डिवाइस। इसका भी एक बड़ा फायदा है, कई बार क्या होता है कि हम फैन वगैरह चला देते हैं तो उसकी हवा से फ्लेम ऑफ हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है नॉर्मल लोकल चूल्हों में कि फ्लेम बंद हो गया तो गैस आउट होता रहता है, तो इस डिवाइस से ये फायदा होता है कि फ्लेम बंद होने के बाद गैस को ये लॉक कर देगा, गैस आउट नहीं होगा, ये बड़ा फायदा इसका मिलेगा। और ये 3 बर्नर में है। अब आगे बात करते हैं हम 5 बर्नर में। ये हायर की 5 बर्नर वाला है, ये 5 बर्नर के अंदर है। 5 बर्नर में इन्होंने जो एक बर्नर दिया है बड़े वाला, ये आप देख रहे हो ये 4.5 किलोवाट का है। दो बर्नर जो ये आप देख रहे हो, एक ये और एक ये वाला, ये आपका 3 किलोवाट का है, ये और ये दो बर्नर जो है ये 1.7 किलोवाट के। मैं दोबारा बताता हूँ, इंडस्ट्री में बाकी कंपनियों के अंदर आपको जो छोटे बर्नर मिलेंगे वो 1.5 किलोवाट के मिलेंगे, हायर 1.7 किलोवाट में दे रहा है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, हम आगे ही दे रहे हैं। अब यहां बात करेंगे सबसे पहले इसके 4.5 किलोवाट के बर्नर में। अब आप ये देख रहे होंगे, ये जो आप लुक देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम कह रहे हैं फ्लेम फेलियर, अपना फ्लेम गार्ड। फ्लेम गार्ड से क्या फायदा, आप देखेंगे जब रखते हैं तो सामने से जब हीट आता है तो वो जो हीट होगा वो आगे नहीं आएगा, नोक पे टच नहीं करेगा या हमें टच नहीं करेगा, इसका एक सेफ्टी पॉइंट है पहला। दूसरा ये हमारा बर्नर है, ये 3 रिंग्स में है, 1, 2 और ये सेंटर में तीसरा रिंग। आप इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप किसी भी कंपनी के होम में जाओगे, ये आप जो देख रहे हो उसको जेट कहते हैं, अदर्स ब्रांड के अंदर सिंगल जेट मिलेगा आपको,
हायर आपको 5 जेट दे रहा है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 जेट है। इसका फायदा ये मिलेगा कि इस 5 जेट से आपको गैस प्रॉपर तरीके से निकलेगा, जिस समय पे कुक होना चाहिए प्रोडक्ट उस समय पे प्रॉपर तरीके से कुक मिलेगा। तो ये बड़ा फायदा है, समय की बचत रहेगी। ये फ्रेम फेलियर डिवाइस भी दे रहे हैं। ये जो 5 बर्नर है वाला जो होब है, इन 5ों बर्नर के अंदर FFD फीचर है, जो मैंने आपको पहले बताया था वो फीचर इसके अंदर भी है। और जितने भी इनके बर्नर हैं 5 के अंदर, उन सब में आपको FFD फीचर और साथ में जो जेट मिलेगा, जैसे अभी ये छोटे वाला है इसमें 2 जेट मिलेंगे, ये देखिए अदर्स के अंदर एक ही मिलता है। सबसे बड़े वाले में 4.5 किलोवाट में 5 जेट है, जो इनका 3 किलोवाट वाला उसमें 2 जेट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनके 4 बर्नर के अंदर। ये इनका 4 बर्नर वाला है, 4 बर्नर में जो बड़े वाला है 4.5 किलोवाट का है, जो छोटे वाले हैं ये 2 आपके ये 3 किलोवाट के अंदर है, और जो छोटे वाला सबसे छोटे वाला है वो 1.7 किलोवाट के अंदर। इसमें भी आप देखोगे बड़े वाले में तो 5 जेट दे रखे हैं, ये बाकी कंपनियों में सिंगल जेट मिलता है, 1 2 3 4 5 5 जेट है विद FFD फीचर के साथ है ये, और आपका विद 3 रिंग्स है, 1 2 3 सेंटर वाला मिला के, ये भी विद 3 रिंग्स है, और आपका फ्लेम गार्ड के साथ है। इसके बाद इनका पैसेट के अंदर अदर्स ब्रांड 60 सेंटीमीटर देता है आपका होप, ये पैसेट अपना जो हायर है 65 सेंटीमीटर के अंदर चूल्हे दे रहे हैं 4 बर्नर के अंदर। इसमें भी जो बड़े वाला है 4.5 किलोवाट का है, छोटे वाला जो हायर दे रहा है वो 3 किलोवाट का है, जो सबसे छोटे जो 2 मिलेंगे वो 1.7 किलोवाट के। मैं दोबारा बोलता हूँ, अदर्स ब्रांड में 3 किलोवाट 2 किलोवाट 1.5 किलोवाट मिलता है, हायर आपको 4.5 किलोवाट से दे रहा है, 3 किलोवाट दे रहा है, 1.7 किलोवाट दे रहा है। इसके अलावा ये आप जो देखोगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये इसका भी एक बड़ा फायदा है। इसका साइज इस तरीके से कंपनी ने बनाया कि ये सभी बर्नर के साइज पे छोटा बड़ा किसी पे भी रखा जा सकता है। इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि कई बार हम रोटी सेकते हैं या पापड़ सेकते हैं तो हमारे जो कोना होते हैं वो टूट जाते हैं, तो इससे वो प्रॉपर तरीके से आपके रहेंगे, टूटने का चांस नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर मिलेगा। ये तो थे सर चिमनी और होब। एक चीज और इन्होंने लॉन्च की है जो बाकी कंपनी ने नहीं की, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है इनका जिसको ये कह रहे टैबलेट, हायर कह रहा टैबलेट, ये देखिए इसका क्या फायदा है। कई बार किचन में जो कस्टमर होता है कई बार उनका काम वर्क हो चुका होता है, उनकी स्लैब वगैरह डल चुका होता है, बट उनको लगता है कि हमें होब परचेज करना है, तो वो स्लैब में इतना महंगा खर्चा कर चुके होते हैं तो उनका इच्छा नहीं है कि उसको वो टूटवाए वापस खर्चा करे, तो उनके लिए ए लुक लाइक ये होब है। इसको ये अपना जो ब्रांड है हायर इसको टैबलेट कहता है, ये बहुत स्लिम है, आप अदर्स ब्रांड में जाओगे चूल्हे में या होब के अंदर भी तो काफी मोटा मिलेगा, तो ये काफी स्लिम है, टैबलेट नाम है, 3 बर्नर के अंदर है ये वाला मॉडल इनका, 76 सेंटीमीटर के अंदर है। इसके अंदर भी जो आपको मिलेगा ये देखिए जेट इसमें 2 है, 2 जेट प्रोवाइड कर रहा है, अदर ब्रांड सिंगल जेट देता है ये 2 दे रहे हैं, इसके अंदर भी टैबलेट के अंदर भी आपको 2 जेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें 2 बड़े चूल्हे मिलेंगे, 1 सिंगल छोटा चूल्हा मिलेगा। आप और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं www.fireindia.com पर। धन्यवाद।